हिस्सा। गैंगस्टर अतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के 3 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशरी कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य है। नैनी जेल में अतिक का बेटा अली भी कैद है। उसके खिलाफ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज है। अली ने पिछले साल 30 जुलाई को सरेंडर किया था। यूपी सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यों की जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया है। यह कमीशन 2 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी लीड करेंगे। इसमें रिटायर्ड डीजीपी सुबेश सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार सोनी को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।